देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में देखोगे कि अगर एक गाड़ी है, उसका स्पीड, अगर एक गाड़ी है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, दिस इज द पॉइंट ए और दिस इज द पॉइंट बी और दिस इज द पॉइंट सी, और यहाँ पर डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और यहाँ पर स्पीड V1 है जो कि 3 है, और यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस है लेकिन स्पीड V2 है जो कि 5 है, तो एवरेज स्पीड। तो ऐसे फार्मूले में डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फार्मूला है 2 टाइम्स V1/V2 और V1+V2, ठीक है। तो 2 टाइम्स V1/V2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये आ जाएगा 5+3 मतलब 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15/4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3.75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन सही है। जब डिस्टेंस सेम होता है, ये किलोमीटर है, सेम होता है, तो अभी पिछला वाला सवाल या बहुत बार ये यूज हुआ होगा, तो एवरेज स्पीड डायरेक्ट ये अपना लिख सकते हो।